बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों नादरा की नई टेक्नोलॉजी पाक आईडी वर्जन 3.0 27 जनवरी 2024 को लॉन्च होने जा रही है। इससे पहले नादरा के जानिब से पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, जिसको अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इस ऐप से मुस्तफीज भी हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए कौन कौन सी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल रही हैं, जो नादरा की नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि 27 जनवरी 2024 को लॉन्च की जाएगी। इस ऐप के जरिए आपको और कौन से ज्यादा सर्विसेज मिलेंगी ऑनलाइन, ये तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज आप नोट कर लें, नादरा की जानिब से कुछ महीने पहले पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, अब इसको 10 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत से काम आप घर बैठे कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए, आपको नादरा के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पाक एप्लीकेशन के जरिए कौन कौन से काम आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको नादरा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसके बाद अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड में किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, यानी अगर आपने तस्वीर चेंज करवानी है, नाम चेंज करवाना है, सिग्नेचर चेंज करवाने हैं, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ये सारा काम सर अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, अगर आपने अपने शनाख्ती कार्ड को रीन्यू करवाना है, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवानी है, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है, आप इस रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट निकलवाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन फॉर्म पूर करके अपना जो है सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने मुल्क में बैठ के सऊदी अरेबिया में, यूके में, यूएसए में, जिस भी मुल्क में आप बैठे हैं, वहां बैठे बैठाए इस एप्लीकेशन के जरिए NICOP कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद अगर आपने NICOP कार्ड में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवानी है, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका NICOP कार्ड एक्सपायर हो चुका है, आप इसको तजदीद करवाना चाहते हैं, रीन्यू करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका NICOP कार्ड जो है गुम हो गया है, आप इसको रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप अपने शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने शनाख्ती कार्ड को रीन्यू करवाना चाहते हैं, रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, ये तमाम तरह सर्विसेज आप घर बैठे इस एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हैं, आपको नादरा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, NICOP कार्ड क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बना के दिया जाता है, तो शुरू से लेकर एंड तक जितना भी प्रोसीजर है इस कार्ड का, वो आप इस एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हैं। यानी अगर आपने NICOP कार्ड न्यू बनवाना है, इसमें मॉडिफिकेशन करवानी है, अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है, आपने रीन्यू करवाना है, या फिर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है, आपने इसको रीप्रिंट करवाना है, तो ये सारे काम आप इस एप्लीकेशन के जरिए करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है जो नादरा की नई टेक्नोलॉजी अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रही है 27 जनवरी 2024 को, उसके अंदर क्या क्या नए फ्यूचर होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नादरा की जानिब से उर्दू के अंदर एक जो है तफसील इसकी शेयर की गई है फेसबुक पेज के ऊपर। नादरा की जानिब से कहा गया है आपकी तजवीज़ की रोशनी में आइंदा हफ्ते में पाक आईडी का नया वर्जन जारी किया जा रहा है। नया वर्जन 3.0 मदरजा जैल बेहतरियों और नई खसूसियात के साथ, जिसमें शामिल है बायोमेट्रिक तस्दीक, अंगूठे की तस्दीक, एप्लीकेशन को सिर्फ अपने ही खानदान के अफराद के लिए इस्तेमाल करने की सहूलत, FRC और मनसूखी सर्टिफिकेट की डाउनलोडिंग और फ़ोन पर महफूज करने की इजाफी सहूलत शामिल है। मुस्तकबिल के रिलीज़ में क्रेडिट कार्ड के अलावा मुख्तलिफ डिजिटल अदायगी के ऑप्शंस और दीगर मतलूबा खसूसियात शामिल की जाएंगी इंशाल्लाह। दोस्तों 27 जनवरी को जो नादरा की जानिब से पाक आईडी वर्जन 3.0 लॉन्च होने जा रहा है, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा और भी सर्विसेज जो है वो मिलेंगी नादरा की जानिब से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।